अर्जुन के बारे में यह बातें नहीं जानते होंगे आप। यह वीडियो पूरा देखने के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे कि अर्जुन क्या होता है, क्या होते हैं अर्जुन के गुण, कर्म और प्रयोग। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इस चैनल की सारी वीडियोस देख सकें और सीख सकें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक बिल्कुल नया यूट्यूब चैनल लिव इन आयुर्वेदा। यहाँ मैं आपके लिए हर रोज़ एक नया वीडियो लेकर आता हूँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए अब जानते हैं अर्जुन के बारे में। इसका लैटिन नेम है टर्मिनेलिया अर्जुना, फैमिली कॉम्ब्रिटेसी। आचार्यों ने इसे कषाय स्कंध और उदर्ध प्रश्मण के गण में रखा है। दोस्तों, अर्जुन के कई पर्याय हैं जैसे धवल, ककुभ, इंद्रदु, वीर वृक्ष, नदी सर्ज और काहू। अर्जुन का वृक्ष 60 से 80 फीट तक ऊंचा हो सकता है। अर्जुन की त्वचा बाहर से श्वेत और अंदर से लाल होता है। अर्जुन के पत्र अमरूद के पत्र के समान दिखते हैं। अर्जुन के पुष्प श्वेत या पीताभ वर्ण के होते हैं। अर्जुन के फल कमरख जैसे दिखते हैं। अर्जुन के कुछ केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं जैसे बी सिटोस्टेरॉल, एलाजिक एसिड, अर्जुनिक एसिड, अर्जुनेटिन, फ्रिडेलिन, टैनिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। अर्जुन के गुण के बारे में बात करें तो इसका गुण है लघु, रुक्ष, रस, कषाय है, वीर, शीत, विपाक, कटु और प्रभाव इसका हृदय है। अर्जुन के कुछ कर्म हैं जैसे यह कफ पित्त शामक है, रक्त स्तंभन, कफग्न, मूत्र संग्रहणीय, ज्वरग्न। इसके अतिरिक्त यह हृदय का पोषक है, सूक्ष्म रक्तवाहिनियों का संकोचक है, रक्तभार को बढ़ाता है और शोथ को दूर करता है। अर्जुन के कई प्रयोग हैं जैसे कफ पित्त जन्य विकारों में रक्तस्राव रोकने के लिए अस्थि भग्न में छाल का लेप करते हैं, हृदय रोग में, रक्त पित्त में, प्रमेह, रक्त व श्वेत पदार्थ में यह अति लाभकर होता है। अर्जुन को प्रयोग में लाने के लिए कुछ तरीके हैं जैसे अर्जुन के छाल से दुग्ध को सिद्ध कर, स्वरस बनाकर, क्वाथ बनाकर, घृत बनाकर या इसका चूर्ण बनाकर। अर्जुन का प्रयोजंग इसकी त्वचा है। अर्जुन की मात्रा के बारे में बात करें तो क्षीरपाक के लिए 5 से 10 ग्राम लेते हैं, स्वरस के लिए 10 से 20 ml, इसके क्वाथ 50 से 100 ml और चूर्ण 3 से 6 ग्राम लेते हैं। अर्जुन के कुछ विशिष्ट योग हैं जैसे कुकुभादि चूर्ण, अर्जुनारिष्ट और अर्जुन घृत। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट बॉक्स पर जाके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर भी करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ और जितना हो सके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, मैं हर रोज़ एक नया वीडियो लेके आता हूँ तो आप इस बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्क्रीन पर दिए गए लिंक पे जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे और भी वीडियोज़ हैं उनको भी ज़रूर देखें। धन्यवाद।